अच्छा इसे अब जो है फाइनली हार्दिक पांड्या को 3 मैचेस हारने के बाद चौथी फतह मिल ही गई है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या है कि लकी रहे या फिर कुछ स्ट्रेटजी में चेंज किया है या कुछ बॉडी लैंग्वेज में चेंज नजर आया है कि हाँ भाई कुछ बेहतरी आई है? भाभी जी तो खुश हैं. भाभी जी मतलब नीता अंबानी जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उनका जो एक स्पेशल बच्चा है आनंद, वो भी मैच देख रहा था और मेरे ख्याल में शायद वो नाराज है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने पे. और यही वजह है कि शायद हाई पड़ी हुई थी हार्दिक पांड्या के ऊपर. एक तो गेम उनका पूरा है नहीं, फिर वो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं होते, लीग के लिए अवेलेबल होते हैं. और जिस अंदाज से मुंबई ने अपनी ये कंपेन चलाई है इस साल 2024 की, रोहित शर्मा को हटाने के बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान लिया, वो शायद हजम नहीं हुआ. जो फैंस हैं ना मुंबई इंडियंस के, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है इनका. शायद इस IPL का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ैन क्लब मुंबई इंडियंस का. 25% आपको पता ही है मुंबई जो है वो BCCI को चलाता है. तो यहाँ हार्दिक पांड्या के लिए जीत बहुत अहम थी. अच्छा, इस जीत में इनका कोई किरदार नहीं है. बॉलिंग इन्होंने नहीं कराई, बैटिंग में इन पे लानत पड़ी. 33 बॉल 39 रन्स, जो वासी ने बताया 132 का स्ट्राइक रेट. तो हार्दिक के लिए ये लीग इस साल की बड़ी मुश्किल है. अगर मुंबई इंडियंस कहीं फतह लेते भी है तो इनका किरदार बहुत कम होगा, बहुत कम होगा. और मैं जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि हार्दिक पांड्या आने वाले अगले 2 मैचेस के बाद शायद अवेलेबल भी ना हो. अच्छा, किसी वजह से. वो अलग बात है इंजेक्शन लगवा के या कुछ करवा के ये खेलते तो रहे किसी ना किसी तरह. व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब बार बार हार्दिक पांड्या को चांस क्यों दिया जा रहा है व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग? तुमने कहा था ना ओवर कॉन्फिडेंस, वो है उसके अंदर. फिर ये हम इनको कहते हैं कि ये हार्दिक पांड्या ये वो खिलाड़ी है जिसने हमेशा कुशन लिया बड़े खिलाड़ियों का टीम में रहते हुए. धोनी का कुशन इसने लिया, विराट का कुशन इसने लिया, रोहित शर्मा का कुशन इसने लिया. ठीक है, तो ये वो खिलाड़ी है जो अपने आप को इनके बराबर समझता है. इसकी हरकतें देखी आपने? अबे तेरे के स्प्रिंग लगे में उछलता है इतना है, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं. उछलने से कोई परफॉर्मेंस थोड़ी आती है कोई. जहाँ इसने आज ओवर फेंकने दे, कल के मैच के अंदर वो फेंके नहीं इसने ओवर. भाई जब तुम्हारे बॉलिंग भी किसी काम की नहीं है, तुम बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रही टीम में. बैटिंग ऑलराउंडर अगर ये इसको बोलते हैं तो इसकी जगह ही नहीं बनती इस टीम के अंदर. बॉलिंग ऑलराउंडर इसकी जगह बन सकती है. जब बॉलिंग नहीं करी तूने तो फिर तेरा खेलने का फायदा क्या था ये वाला मैच यार? जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आई थिंक देयर इज नो वर्ड टू प्ले.